जो भारत से यूज करते हैं वो मेरा होता है मैच करता हूँ और यहाँ लिखिए आवेदिका ने स्टैंडर्ड भारत के लिखा हुआ ठीक है नानक निरस मैटर यदि इसके माध्यम से भी हम व्यास को मानते हैं तारों के व्यास को और इसके माध्यम से भी क्या करते हैं तार के व्यास को मानते हैं और ये दोनों व्यास का सीधा कहने का मतलब है तार की मोटाई को मानते हैं और दोनों में जो हमारा मेजरमेंट होता है वो आपका तार को कैसे होता है मिली मीटर में होता है ठीक है एमएम में हम इसकी सीक्वेंस को व्यक्त करते हैं आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा चाहे AWG है चाहे मेरा क्या है दोस्तों SWG है दोनों की जो रिलेशन होता है वो इस हिसाब से होता है SWG नंबर आपका जितना कम होगा हमारी जो व्यास है या यूं समझे तो मोटाई है तार की वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी जितनी ज्यादा व्यास या मोटाई बढ़ेगी हमारा प्रतिरोध क्या होगा उतना कम होगा और जितना कम नया प्रतिरोध होगा करंट की उतनी ज्यादा होगी ठीक यही रिलेशनशिप आपका AWG के साथ भी रहता है अब इसका अपोजिट देख लीजिए SWG नंबर अगर मेरा बढ़ता है स्वाभाविक रूप से आपकी व्यास यानी कि मोटाई ये हमारी क्या होती है साथियों घट जाती है व्यास या मोटाई जितनी घटती है जितनी ज्यादा मेरी रेजिस्टेंस होगी करंट उतना मेरा कम होगा यानी इस रिलेशन से स्पष्ट है मोटे तार में ज्यादा करंट और पतले तार में कम करंट आप सब इस बात को जान लीजिए पतले तार में करंट क्या हो जाती है कम एक और भी रिलेशन आप जानते ही हैं आई रस्सी प्रोपोर्शनल किसके होती है हमारे प्रतिरोध